अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं कासिम टीवी। फल हमारे जिस्म को ज़रूरी गज़ायत फ्राहम करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ फल इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। जी हाँ, कुछ फलों और बीजों में साइनाइड्स होते हैं जो तकलीफ दे और बदतरीन मौत का सबब बन सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे फलों के बारे में बताऊंगा जिनका इस्तेमाल आपको कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे फलों का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी को नुकसान में डाल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, एप्रिकॉट सीड्स। बाजार में मजेदार और सेहतमंद फलों में से एक फल खुबानी है। ये ख्याल किया जाता है कि खुबानी के बीज से कैंसर के इलाज में मदद मिल सकती है और इसके बीज में विटामिन B17 की ज्यादा मिकदार होती है जो कुव्वत मुदाफियत के निजाम को फरोग देती है। इसी वजह से ऑनलाइन और मुकामी स्टोर खुबानी के बीज बड़ी मिकदार में पेश करते हैं और कोई भी इन्हें आसानी से खरीद सकता है। इसका ज्यादा इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। खुबानी के बीजों में जहरीला साइनाइड होता है जिससे मौत वाकया हो सकती है। नंबर दो, येलो स्टार फ्रूट। पीले रंग का सितारा नुमा फल खूबसूरत लगता है और इसका जायका भी अच्छा है, लेकिन गुर्दे के दायमी बीमारी के मरीजों को यकीनी तौर पर इससे गुरेज करना चाहिए। यहाँ तक के 100 मिलीलीटर की थोड़ी सी मिकदार भी इस किस्म के मर्ज में मुबतला अफराद के लिए जहरीली साबित हो सकती है। फल में न्यूरोटॉक्सिन होता है जो दिमाग और असाब पर मनफी रद्द अमल का सबब बन सकता है और गैर सेहतमंद गुर्दों वाले लोग पीले रंग के सितारे नुमा फल के न्यूरोटॉक्सिन को आसानी से फिल्टर नहीं कर सकते। जहर आलूद अलामत में पेचीदा हिचकी, जहनी उलझन, कमजोरी, कै और साइकोमीटर जैसी अलामत शामिल है। सिर्फ हीमोडायलिसिस ही मरीज को बचा सकती है। नंबर तीन, अक्की। अक्की जमैका का कौमी फल और मगरबी अफ्रीका का अबाई फल है। अगरचे ये फल जमैकन के रोजमर्रा के खाने का एक हिस्सा है, लेकिन गलत इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। कच्चे फलों से कै की बीमारी हो सकती है जिससे कोमा हत्ता के मौत भी वाकया हो सकती है। इसमें हाइपोग्लाइसरीन मौजूद है जो इंसानों के लिए बहुत जहरीली होती है। कुदरती तौर पर पकने और सुर्ख होने के बाद ही आप इस फल का इस्तेमाल करें। नंबर चार, एल्डर बेरीज। ये बेरी जैम, जेली, चाय और शराब बनाने में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इस फल में जहरीले अंसर भी हैं जो सेहत के लिए जहरीले समझे जाते हैं। ग्लाइकोसाइड, एक अंसर जो जहरीला साइनाइड पैदा करता है, इस पौधे के पत्ते, टहनियों और बीजों में मौजूद होता है। ग्लाइकोसाइड की एक बड़ी मिकदार इसमें पाई जाती है और जब खाई जाती है तो बहुत तकलीफ होती है। इस एल्डरबेरी के दरख्त के हिस्से जहरीले हैं, लेकिन आमतौर पर पौधों में जहरीला मादा कम मिकदार में पाया जाता है। नंबर पाँच, मैंचिनिल। मैंचिनिल जिसे बीच एप्पल भी कहा जाता है, कैरिबियन और मैक्सिको का ये देसी फल लजीज लगता है, लेकिन ये मोहलिक भी हो सकता है। ये जुबानी और गजाई नाली के अल्सर और शदीद वर्म में कमी का सबब भी बन सकता है। मैंचिनिल के दरख्त का सफेद सांप जिल्द के छालों, जलने और सूजिश का सबब बन सकता है। इस खतरनाक दरख्त को छूने से भी डर्माइट्स हो सकता है। नेज दरख्त को जलाने से आपकी आँखों को बेहद तकलीफ पहुँच सकती है। नंबर छह, जेट्रोफा। कुछ मालूमात हैं कि लोगों को जेट्रोफा फलों की जहर आलूदगी की वजह से अस्पताल दाखिल कराया गया है। इस फल का नाम ब्लैक वमिट नट और प्रिंज नट रखा गया था क्योंकि इससे शदीद दर्द हो सकता है। जब खाया जाता है तो इससे गले में जलने का एहसास होता है और पेट में भी दर्द होता है। संगीन सूरतों में पानी की कमी वाकया हो सकती है। ये मोहलिक अलामत हेम्ब्रिज गैस्ट्रो की वजह से होते हैं। अगर फौरी तौर पर इलाज ना किया गया तो इनका नतीजा आसाबी निजाम के शदीद तनाव का सबब भी बन सकता है। नंबर सात, येव बेरी। ये खूबसूरत येव बेरी का दरख्त आमतौर पर मशरकी वस्ता, शमाली अमेरिका और यूरोप के बेशतर हिस्सों में पाया जाता है। अगरचे इसके खून से सुर्ख बेर जहरीले नहीं हैं, लेकिन बीज, छिलका और पत्ते इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। जहर आलूदा होने की अलामत में सर दर्द, कै, पट्ठों की कमजोरी, चक्कर आना, पेट में दर्द और कांपना शामिल है। शदीद जहरीले अलामत दिल की बेकायदा धड़कन, सांस लेने में दुश्वारी, कोमा और मौत का बाइस भी बन सकते हैं। नंबर आठ, स्ट्राइचाइन। जनूबी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मुकामी इलाकों में पाया जाता है। इस फल का पौधा दुनिया भर में सदियों से जहर पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस फल से हासिल होने वाले जहर की थोड़ी सी मिकदार भी खतरनाक है और वो मौत का सबब बन सकती है। खुश्क बीज हाई ब्लड प्रेशर, शदीद पेट में दर्द
और दिल की नाकामी का सबब भी बन सकते हैं। नाकिस इस्तेमाल से इंसान के हवास नुमाया तौर पर मुतासिर हो सकते हैं। नंबर 9, यूरोपियन स्पिंडल। इसको यूरोपी तकला भी कहा जाता है। यूरोपी तकला का दरख्त कीड़ों और परिंदों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये दरख्त खाना फराहम करता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। ज्यादातर फनकार इस दरख्त से हासिल करदा अच्छे मियार के चारकोलों की बहुत कदर करते हैं, क्योंकि ये उनकी ब्यूटी इन्हेंस करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। इसके जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से पेट में शदीद दर्द हो सकता है। मोहतात रहें कि इसके खतरनाक असरात से बचने के लिए 3 से ज्यादा बीज ना खाएं। तकला के दरख्तों में जहर आलूद अलामत में डायरिया शामिल है। नंबर 10, पेंजियम एडियूल। ये ट्रॉपिकल फल हाइड्रोजन साइनाइड पर मुश्तमिल होता है और इसे एक ऐसे फल के तौर पर भी जाना जाता है जिससे नज़ला होता है। इस पेंजियम एडियूल फल को खाने से पहले उबले हुए पानी में भिगोया जाता है और केले के छिलकों में लपेट कर जमीन तले दबा दिया जाता है। अगर ये अमल अच्छे से अंजाम पा जाए तो उम्मीद है कि ये आपकी बेहतरीन और पसंदीदा डिश बन सकता है। जरूरत से ज्यादा इदखाल या इस फल की नामुनासिब तैयारी से जहर आलूदगी पैदा हो सकती है और ये सर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी, उलझन की किल्लत जैसे अलामत पैदा कर सकता है और इससे कल्बी गिरफ्तारी और बदतरीन मौत का सबब बन सकती है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।